पुलिस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इस विभाग पर्यटन संस्कृति पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री माननीय जी किशन रेड्डी जी, पर्यटन राज्य मंत्री श्री पद यशोधर नायक जी, पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह जी, निदेशक डीपीआरडी बालाजी श्रीवास्तव, सभी राज्यों के पुलिस अधिकारीगण, पर्यटन सेक्रेटरीज अधिकारीगण, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा होगी, संवाद होगा। अपने अपने राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज अनुभव साझा होगी, ताकि किस तरीके से हम देश के अंदर पर्यटनों, देशी स्वदेशी विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा संरक्षा दे सकें और एक अच्छा वातावरण हम पर्यटकों को दे सकें, इसमें विशेष रूप से राज्यों के पुलिस पर्यटकों की व्यवस्था संभाल रहे कई राज्यों में पर्यटक पुलिस का गठन हुआ है, कई राज्यों में नहीं हुआ है, लेकिन उतनी महती जिम्मेदारी है कि एक सकारात्मक वातावरण हम देश के अंदर दे सकें। और किसी भी राज्य या देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जिसका देश का बेहतरीन होता है, वहां देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या के अंदर आता है। और इसीलिए भारत जो कि विविधताएं, विशालता, हमारी संस्कृति, हमारे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, हमारी विरासत, जैसा कि माननीय किशन रेड्डी जी ने बताया कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्राकृतिक संसाधन है, आध्यात्मिक संस्कृति है, ऐतिहासिक पुरातत्व के हमारे कई स्मारक हैं, हमारे यहाँ पर एडवेंचर है और विविधताएं हमारे देश के अंदर है जितनी विश्व के अंदर कहीं नहीं है। दुनिया का जैसा पर्यटक चाहे वैसी विविधताएं हैं भारत के अंदर है। इसलिए दुनिया के अंदर भारत पर्यटक के रूप में एक बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। केवल आवश्यकता है कि इसको हम जो हमारी संस्कृति है, हमारे स्मारक हैं, हमारी संस्कृति है, आध्यात्मिक है, दुनिया के अंदर आज भी केवल पर्यटक घूमने जाते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर्यटक अपने घूमने के अलावा यहाँ योग, प्राकृतिक, मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, संस्कृति टूरिज्म के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन दुनिया के अंदर भारत है। और इसीलिए इस विशालता पूर्ण देश के अंदर जिसके अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग कला है, संस्कृति है, शिल्पकार है, हमारे मेले हैं, ये हमारी विविधता है जिसके कारण दुनिया के पर्यटकों को हम आकर्षित कर सकते हैं। और इसके लिए लगातार पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है, लेकिन उस सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि देशी और विदेशी जो पर्यटक हमारे यहाँ आ रहा है उनको पर्यटक स्थल पर सुरक्षा मिले, संरक्षा मिले, उनको एक अच्छा वातावरण मिले,
जो हमारी संस्कृति है, पधारो हमारा देश, उस संस्कृति की झलक वहाँ पर नजर आए। और इसके लिए हमें एक व्यापक विचार विमर्श कर योजना बनानी पड़ेगी। विशेष रूप से दुनिया के अंदर अलग अलग भाषा है और दुनिया के कई लोग, जिनकी मैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत देश ऐसे हैं जो अपनी भाषा में बात करते हैं। जिन स्पीकर्स की उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, वो भी अपनी भाषा में बात करते हैं। इसलिए बहुभाषी होना और उसके लिए हमारे उस विदेशी पर्यटक के आधार पर हम भारत में कैसी योजना बना सकते हैं, उस पर आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो हमारी चर्चा संवाद का केंद्र होना चाहिए कि जो विदेशी पर्यटक यहाँ आ रहा है भारत के अंदर, जैसे दुनिया के अंदर जो टूरिस्ट ट्रेवल्स हैं या व्यक्तिगत टूरिस्ट भी आता है, आज डिजिटल के कारण दुनिया के अंदर भारत ने पूरा विश्व एक कर दिया है कि डिजिटल पर वह सब कुछ दुनिया को देख लेता है। और आने के पहले ही वह किस स्थान पर जाना, उनकी क्या विशेषता है, उसका निश्चित चयन कर कर आता है। लेकिन अगर हमारे जो गाइड हैं, हमारे गाइडों को और हमारी पर्यटक पुलिस को हम बहुभाषा के अंदर, उनको अगर कई लैंग्वेजेस के कुछ कुछ अंश सिखाने का प्रयास करें तो हम बेहतर पर्यटकों को सुरक्षा दे सकते हैं। और इसके लिए हमें, मेरी आग्रह है कि एक ऐप डेवलप करना चाहिए जिस ऐप के अंदर जो भी पर्यटक यहाँ पर आए, अगर वो ऐप डाउनलोड कर दे तो उसको दुनिया के अधिकतम भाषाओं के अंदर उन टूरिस्ट स्थलों की जानकारी और कोई भी घटना घटती है तो उसकी पुलिस हेल्पलाइन और सारी जानकारी एक ऐप के अंदर डेवलप हो जाए। तो जैसे ही टूरिस्ट आए और उस ऐप को डाउनलोड कर ले तो वो उस राज्य से कनेक्ट हो जाए और देश से कनेक्ट हो जाए। और उसके साथ साथ हमारी इतनी परफेक्शन योजना होनी चाहिए, व्यक्तिगत टूरिस्ट भी किसी राज्य में आता है तो जिस राज्य के अंदर आने के बाद वहाँ के राज्य के अंदर जिस पुलिस थाना हो उस जिले को ये पता हो कि अमुक टूरिस्ट यहाँ पर आया, अमुक होटल में ठहरा है, धीरे धीरे हम उसका ट्रैक करने लगेंगे तो हम जो अवांछित गतिविधियाँ करने वाले लोग हैं, जो विशेष रूप से टूरिस्ट को कहीं ना कहीं लपक कर अलग अलग भाषा में उनको कहते हैं, उनको अगर हमने रोक लिया और हर पर्यटक स्थल पर बहुभाषी हमने उनके टूरिज्म के बारे के अंदर अलग अलग भाषाओं के अंदर बताने का काम कर दिया और कोई भी पुलिस हेल्पलाइन हो, कोई भी जानकारी हो तो वह वहाँ पर उसको उस बूथ पर जाकर बहुभाषा के अंदर अपनी भाषा के अंदर वो जानकारी प्राप्त कर ले और उसके आधार पर डिलीवरी कर सके। ये हमें यहाँ पर चर्चा संवाद करना चाहिए। आप अपने अपने राज्यों के अंदर, आपका एक लंबा अनुभव है, मेरा मानना है कि जिस जिस राज्यों ने पर्यटक पुलिस दल बनाया है उसका बहुत जल्दी स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, एक लंबे समय तक उसकी ट्रेनिंग हो, उसकी कोशिश हो कि उनको अधिकतम लैंग्वेज अपन सिखा सकें, हमारे जो गाइड हैं, गाइड जितने गाइड हों उनको बहुभाषी लैंग्वेज के बारे में हमें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। महिला गाइड होनी चाहिए, महिला गाइड को भी बहुभाषी होना चाहिए। अगर हम इस तरीके का प्रयास करेंगे तो सामान्य रूप से दुनिया भर के आने वाले टूरिस्ट को ये लगेगा कि मैं मेरी भाषा के अंदर यहाँ पर बातचीत कर सकता हूँ, संवाद कर सकता हूँ, कोई जानकारी मेरी भाषा में ले सकता हूँ, टूरिज्म स्थल की जानकारी ले सकता हूँ, मार्केट की जानकारी ले सकता हूँ। आपका अनुभव है लंबा, जब टूरिस्ट कोई आता है तो दुकानें सिलेक्शन भी तय होती है कि इस दुकान पर वह
गाइड ले जाता है, लेकिन एक ऐप के अंदर उसको सारी उसकी भाषा के अंदर मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ उसको क्या क्या चीज़ खरीदनी है, तो वह उसको क्लिक करेगा, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा, रेट मालूम कर लेगा। क्योंकि कोई ज़माना था होटल के बारे में तो ऑनलाइन इतना सिस्टम डेवलप हो गया कि जो देशी पर्यटक है वो जाने के पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कराकर सारी इंतजाम करके जाता है, विदेशी पर्यटक तो उस सारी तैयारी के साथ आता है। कुछ घटनाएं घट जाती है जैसा उसको बताया जाता है साइट पर, वैसे होटल्स नहीं होते, एक अलग घटना है, लेकिन मैक्सिमम रूप से लोग 90% लोग ऑन बुकिंग करा कर ही आजकल देशी हो चाहे विदेशी पर्यटक आ सकते। लेकिन हम मेरा मानना है कि आप जब एक दिन की चर्चा संवाद करेंगे तो उसमें जो आपके अनुभव हैं, जो घटनाएं घटी है, कई घटनाओं पर घटना घट गई और अगर उसको केस स्टडी के रूप में आपने परिणाम लाने लगे, उसके जल्दी अगर केस की सुनवाई कर और कई राज्यों के अंदर इसका बेहतरीन काम हुआ कि 30 दिन के अंदर उसको सजा मिली है, जिससे कि जितने भी अवांछित करने वाले लोगों उनको पता चले कि विदेशी पर्यटकों के साथ अगर कोई घटना घटी है तो मुझे 30 दिन के अंदर न्यायिक व्यवस्था इतनी त्वरित गति की होगी कि 30 दिन के अंदर मुझे सजा मिल जाएगी, मैं जेल से बाहर निकलूंगा, तो शायद एक अच्छे वातावरण का निर्माण हम कर सकते हैं। और आज सबसे बड़ी जो जरूरत है पर्यटकों के लिए, दुनिया के अंदर कहीं भी चल जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे बड़ी, अगर जिस देश के अंदर कुछ प्राकृतिक या कुछ पर्यटक स्थल अच्छे बुरे होंगे तो भी, लेकिन वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन होगा तो पर्यटक उस देश के अंदर जरूर जाएगा। और जिसके अंदर बहुत बहुआयामी पर्यटक दर्शन होंगे लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं होगा तो कोई पर्यटक वहाँ पर नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा जो मंत्री जी की चिंता है और मंत्री जी ने जो कॉन्फ्रेंस की उस चिंता में से जो निकला कि हमें पर्यटक सुरक्षा के बारे में व्यापक विचार विमर्श करना पड़ेगा और एक भी घटना न घटे अपने राज्य के अंदर, एक भी शिकायत नहीं आए, इस तरीके का हमें प्रयास करने की आवश्यकता है और उन राज्यों का उदाहरण देना चाहिए, उन राज्यों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि उन राज्यों ने किस तरीके से देशी स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन सिस्टम डेवलप किया है जिसके कारण उन्होंने अपराधों को रोकने में, पर्यटक अपराधों को रोकने में कामयाब हुए हैं। निश्चित रूप से ये सारी सेमिनार, इसी चर्चा संवाद, हमारे लोकतंत्र की यही ताकत है कि हम जो चर्चा संवाद करते हैं, अपने अपने अनुभव विचारों को साझा करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करते हैं, उसमें जो मंथन निकलता है, जो परिणाम निकलता है, वह और राज्य अपने अपने यहाँ पर प्रेरणा लेकर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि ये आप इस एक दिवसीय प्रेस इस सेमिनार में करेंगे। और दुनिया के अंदर भारत पर्यटक की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है और मुझे विश्वास है आज मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर भारत सुरक्षा की दृष्टि से भी, जो हमारी संस्कृति उसके कारण विदेशी पर्यटकों से कोई घटना न घटे, इसके लिए राज्य भी सतर्कता से काम करती है और केंद्र भी सतर्कता से काम करती है। और हम सब जानते हैं, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, कि दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर अभी भी केवल टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे उन देशों की इकोनॉमी चलती है। अब जब कोरोना के अंदर आपने देखा होगा, जैसे ही कोरोना आया और उसकी इकोनॉमी अगर कोलैप्स हुई तो यह पर्यटन नहीं आने के कारण, इसलिए पर्यटन का कितना बड़ा महत्व किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए, इसको आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं और मुझे आशा है कि आज की सेमिनार के अंदर हम बेस्ट प्रैक्टिसेज को, बेस्ट अनुभवों को साझा कर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में, जो बालाजी ने बताया कि हम किस तरीके से केंद्र और राज्य मिलकर और हम अपराध मुक्त, कोई भी घटना भारत के अंदर कोई विदेशी पर्यटक से न घटे, ऐसे अपने अपने राज्यों के अंदर इस बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।